नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी दोस्तों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूँ सेकेंड ईयर बीकॉम हॉनर्स एडमिशन प्रोसेस की। सेकेंड ईयर बीकॉम एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं कि जिनकी फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू में एक भी एटीकेटी नहीं है। और मैं आप सभी को बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर एक भी सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में एटीकेटी होगी तो एसओआई में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो चाहे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात हो या फिर अदर किसी भी फैकल्टी की बात हो। तो ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU ने यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से, फैकल्टी के डीन से डिमांड की थी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, फैकल्टी के डीन को भी हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी कि सिर्फ इस साल के लिए इस रूल को स्टैंड बाय पर रखा जाए और ऐसे जो भी स्टूडेंट जिनके फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स या फिर अदर फैकल्टी में फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू के अंदर एटीकेटी आई हुई है, तो उन सभी को जो एडमिशन है वो दिया जाए सेकेंड ईयर बीकॉम के अंदर और अदर फैकल्टी में भी सेकेंड ईयर के अंदर। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से आज यानी कि 30 सितंबर को भी हमारी जो बातचीत है वो हुई है, डिस्कशन हुआ है और हमने एक ही बात कही है कि सिर्फ इस साल के लिए इस रूल को स्टैंड बाय पर रखा जाए और जो हमारा ओल्ड रूल है यानी कि जो हमारा पुराना नियम है, पुराने नियम के अंदर फर्स्ट ईयर बीकॉम के अंदर या फिर अदर फैकल्टी में फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल 15.4 यानी कि 16 क्रेडिट होते हैं, 16 क्रेडिट हो तो उन सारे स्टूडेंट को एसओआई में एडमिशन दिया जाए, ये रूल की हमने डिमांड की है। अब मैं आपको बता दूं ये रूल्स और ये क्रेडिट कैसे होंगे। तो फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स के अंदर आपके टोटल 14 सब्जेक्ट, जिसमें सेमेस्टर वन में 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसका पूरा पेपर 100 मार्क का होता है और सेमेस्टर टू में भी 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका पूरा पेपर 100 मार्क का होता है, इंक्लूडिंग इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ओके, तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट हुए, 8 में से आपने अगर 4 सब्जेक्ट भी क्लियर कर लिए तो आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर बीकॉम में जा सकोगे और अदर फैकल्टी में भी सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ये हमने डिमांड की है ओल्ड पॉलिसी। और इसी के रिगार्डिंग आज काफ़ी हमारी बातचीत हुई फैकल्टी के डीन प्रोफेसर केतन उपाध्याय सर से, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से, और हमने एक ही बात कही कि सिर्फ इस साल के लिए इस रूल को कंटिन्यू किया जाए और जो न्यू रूल आया है कि एक भी एटीकेटी हो तो एसवाई में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको स्टैंड बाय रखा जाए सिर्फ इसी साल के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने हमारी बात सुनी है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट उससे सहमत भी हुई है, लेकिन अभी डिसीजन रुका हुआ है और हमने कहा है कि इस साल के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स के बेनिफिट में जो डिसीजन है वो प्रोवाइड किया जाए, उनके बेनिफिट में डिसीजन दिया जाए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमने यूनिवर्सिटी को कहा है कि 24 आवर्स के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर जो डिसीजन है वो दिया जाए, 24 घंटे के अंदर जो डिसीजन है वो आ जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि 2 अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा कि ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी एटीकेटी आई हुई है वो सेकेंड ईयर बीकॉम या अदर फैकल्टी में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकेंगे। तो उन सभी का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और फीस पेमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU ने पूरी मेहनत की थी और पूरे तरह से हमने फैकल्टी के डीन और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के जो भी ऑफिसर हैं जैसे कि रजिस्ट्रार सर, वाइस चांसलर सर, उनको भी हमने कन्विंस किया था कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर देखा जाए, उनका बेनिफिट देखा जाए, इस साल के लिए सिर्फ जो रूल है उसको स्टैंड बाय रखा जाए। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि कहीं ना कहीं 95% तक हम जो है वो सक्सेस हो रहा है, सफल हो रहा है। 5% का जो इशू है वो ऑफिशियली अभी तक नहीं आया, तो आप सभी लोग वेट करें, जैसे ही ऑफिशियली अपडेट आएगा तो हम आप सभी को शेयर कर देंगे। 24 आवर्स का जो टाइम है वो ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU ने दिया है और यूनिवर्सिटी को भी कहा है कि 24 आवर्स के अंदर या फिर 24 आवर्स के बाद जो नोटिस है वो डिक्लेयर की जाए कि ये स्टूडेंट सेकेंड ईयर बीकॉम और अदर फैकल्टी में सेकेंड ईयर में जा सकेंगे, तो ताकि स्टूडेंट्स भी खुश हो जाएं और वो एडमिशन ले सके, क्योंकि आफ्टर नवरात्रि फेस्टिवल शायद उनकी एग्जाम हो सकती है तो सभी सब्जेक्ट सिलेक्शन के प्रोसेस कर सके। तो आप सभी लोग वेट करें, जैसी अपडेट आएगी, 24 आवर्स का अपडेट करना है, 24 आवर्स तक अपडेट करना है, 2 अक्टूबर को कोई ना कोई डेट आ ही जाएगी, अपडेट आ जाएगी, तो मैं मेरे इंस्टाग्राम के पेज और यूट्यूब के चैनल से जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दूंगा। और आप सभी लोग हमारे व्हाट्सअप चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि क्या एक्टिविटी यूनिवर्सिटी और फैकल्टी में हो रही है, और चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए। नमस्ते।